हेलो दोस्तों, आइए आज उबले हुए शकरकंद की चाट बनाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही सिंपल हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। ये डाइटिशियन की पहली पसंद है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ विटामिन सी भरपूर होता है। बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी खुराक है और बुज़ुर्गों को भी ये पसंद आता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक बोल में एक ड्रेसिंग तैयार करनी है। तो मैंने इसके लिए एक टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, एक टेबल स्पून ओलिव ऑयल और एक टेबल स्पून ही लेमन का रस लिया है। आप चाहें तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया है, जो कि स्वाद के अनुसार ले लें। अब इस ड्रेसिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक तरफ रख दें। देखिए, ये बड़े काम की चाट है। आप इस चाट को अपने हिसाब से इसकी ड्रेसिंग चेंज करके अपना टेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही लाइट चाट बनाया है। आप चाहें तो इसमें पुदीने की चटनी, केचप, फेटी हुई दही और कुछ मिर्च का पाउडर मिलाकर इसे चटपटा सा इंडियन स्वाद वाला भी बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी सेव वगैरह डाल लें तो ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार चाट तैयार हो जाएगा। तो पाउडर मसाले में मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम चिली फ्लेक्स लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर टाटरी इस्तेमाल किया है, जिसे साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। ये एक खटास तो सलाद को देता ही, साथ ही उसे प्रिजर्वेटिव का भी ये काम करता है। अब इसे असेंबल करें तो कुछ कटे हुए मैंने यहाँ पर 2 बड़े शकरकंद के पीसेज लिए हैं, 1 टेबल स्पून कटी हुई प्याज लिया है, 1 टेबल स्पून ही मिली जुली हुई शिमला मिर्च लिया है, साथ में 1 टेबल स्पून अनारदाना लिया है। ये अनारदाना आपके सलाद को बहुत ही रिफ्रेशिंग रखेगा। अब ड्रेसिंग को ऊपर से ड्रिजल कर दें, साथ ही पाउडर मसाला जो हमने तैयार किया था वो इस पर छिड़क दें। यहाँ पर ही आप अपनी पसंद का कोई सा भी पाउडर मसाला डाल सकते हैं। तो लीजिए, ये बहुत ही लाइट सा, बहुत ही मज़ेदार सा, फास्टिंग में खाने वाला या ब्रेकफास्ट में खाने वाला या लंच के डब्बे में साथ ले जाने वाला एक चटपटा सा सैलड बनकर रेडी है। इसे बनाएं और खाएं, लोगों को इम्प्रेस करें। तो इसके ऊपर मैंने ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल दी है। आप यहाँ पर पुदीना की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। तो लीजिए जनाब, इसकी एक एक बाइट में टेस्ट है। मैंने यहाँ पर भुना हुआ काजू डाला है, आप यहाँ पर भुने हुए मूंगफली भी डाल सकते हैं। तो इसे खाएं और अगर पसंद आए तो हमारे को कमेंट करें। आपकी कमेंट से हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो उम्मीद है अगली वीडियो पर हमारा फिर साथ होगा। थैंक यू, बाय बाय।